Hi everyone, welcome back to Just Conversations with Fahimbi. In this podcast, I have with me a storyteller, as Just Conversations has always been about stories, right? And so I have with me a very special storyteller, Mr. Ishpreet Balbir. Yes, I am. Goodbye, how are you? I'm doing great as well. I am shooting first time in Bombay and such a surreal moment and like you were here and it was a good start for this podcast thank you so much i think uh, uh, mumbai would be really happy to have you i think yes mumbai was waiting for you the funny the funny thing is and and my guy is here so what happened was i had put up a story hmm. and i bought something on zomato okay hmm. and i i put it up on instagram i'll put it up today and they sent me and so the the courier guy the zomato guy he gave me money back उटन आई थिंक हम सब बचपन से कहानियां तो कहे ही जा रहे दोस्तों को कह देते हैं मम्मी को कह देते हैं आ, परिवार में किसी ना किसी से कह देते हैं अगर आप प्रोफेशनली कहेंगे तो शुरुआत हुई थी करीबन चार पाँच साल पहले ब्रेकअप हुआ था उस वक्त और मगर थोड़ा सा जो कहते हैं कि दर्द से संगीत निकलता है या दर्द से आर्ट निकलता है ऐसा कुछ नहीं था ब्रेकअप हुआ था और उसके तीन महीने बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार बोर्डम बहुत हो रही है क्योंकि कोई शख्स आपकी जिंदगी में जब होता है तो वो आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है और आप उसे उन्हें वक्त देते हो आपकी जिंदगी उनसे जुड़ जाती है और जब वो चले जाता है तो जिंदगी में खालीपन आ जाता है चौथ sure. तीन महीने बाद मुझे एहसास हुआ कि वो खालीपन बढ़ते जा रहा है yeah. मैं, मुझे याद है संडे का संडे की आफ्टरनून थी और मैं घर पर बैठा था और मैं बोला कुछ करने को नहीं है जो वक्त उनके साथ बिताया जा रहा था अब अकेले बिताया जा रहा और खुद के साथ कैसे वक्त बिताया जाता है तो मुझे पता ही नहीं था तो तब वहाँ से शुरुआत हुई थी कि मुझे मुझे लिखने का हमेशा से शौक था और उस आ, आ, उस वक्त मैंने जो मोहब्बत थी मुझे लिखाई से उसकी शुरुआत हुई थी और जो प्लेटफॉर्म में लिखाई स्पीड बल्बी राज कहा जाता है बट लिखाई वॉज एट द टाइम और वहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी एंड देन बस कारवा बढ़ते गए और जब भी कोई चीज आपकी जिंदगी में होती है जिससे आपको तकलीफ होती है दर्द होता है तब आप बाहर वाली दुनिया से ना थोड़ा सा कट जाते हो आप थोड़ा सा दूर हो जाते हो अपने आप में रह जाते हो वो एकांत में जब आप खुद को जब जानने की कोशिश करते हो जानते हो और तब वहां से जो निकलता है ना उसे आप संगीत कह सकते हो सकते हो बट एट दीस्ट यू गेट टू नो ये मतलब इस दो लाइनें मैंने लिखी थी मैं कहना चाहूंगा कि लैला लैला चिल्लाया मजनू घूमा सारे जमाने में उसको खोया फिर खुद को पाया खुद से मिला उसी जमाने में <laughs> Let's conclude it on this fact that love love heartbreaks work, right? Heartbreaks work. Cool. So now I know how you started your journey as a storyteller, mm. which is quite interesting. But I want to know What was esprit's childhood like. Just throw a little light on it. I mean, we all have had school experiences and all. Uh, middle class parvar Um uh, papa, papa ki catering ki business, mummy homemaker. आई एम देंगर सिबलिंग एक बड़ा भाई था और बचपन से ही uh, काफ़ी uh, जो रियालिटी होती है ऑफ लाइफ की कि ख्वाहिशों और ज़रूरतों के बीच का जो फर्क होता है वो मेरे माँ बाप ने मुझे uh, समझा दिया था और मैंने देख भी लिया था कि can you explain it a little bit? जैसे कि uh, जो पापा uh, जो काम करते थे वो सीजनल हुआ करता था कि बारिश में ज़्यादा काम नहीं हुआ करता था समर्स uh, और विंटर्स बॉम्बे में तो वैसे विंटर्स होते नहीं है hmm. गर्मी होती है और ज़्यादा गर्मी होती है पर uh, जो उनका काम था वो सीजनल था तो मुझे पता चल जाता था जब उनका काम चल रहा था तो uh, घर पर थोड़ी कॉन्वर्जेसन थोड़ी खुश हुआ करती थी पैसे hmm. आ रहे हैं hmm. सब चीज़ें आ रही हैं मनी टॉक्स वर लेसर एट दैट टाइम बट जब काम नहीं हुआ करता था तो uh, आलू की सब्जी ज़्यादा बन रही है सब्जियों के दाम मुझे भी पता चल रहे हैं मम्मी और पापा ये घर के खर्चों के बारे में ज्यादा डिस्कशन हो रही है बाहर जाना कम हो रहा है तो मैंने वो वक्त देखा हुआ है सो so, बचपन में मेरी मम्मी ने टिफिन सर्विस भी शुरू किया था सो so, जो ऑफिस में जो काम करते थे उन्हें इंडिविजुअली जो टिफिन उनके घर पर आता था मेरी मम्मी खाना बनाती थी और वो टिफिन उनके ऑफिस में पहुंचाया जाता था जो मैं जाता था एज अ सेवन एट ईयर ओल्ड तो सात आठ साल की उम्र में मैं डब्बा पकड़े हुए पापा की स्कूटर पर ऑफिसिस में गया हूँ टिफिन देने के लिए तो so, उस तरीके की रियालिटी मैंने देखी है मुझे याद नहीं मैंने मैंने जो स्कूल की पिकनिक होती है आई थिंक मैं कभी भी कोई स्कूल पिकनिक में नहीं गया हूँ क्योंकि uh, जब जाने का मन था तो तब मैंने ये सब सुन लिया था फिर मन चले गया uh, तो मतलब उसके बाद मुझे जितना जल्दी मैंने जिंदगी को समझा है उतना जल्दी uh, जिंदगी को हैंडल करना जिंदगी के प्रेशर्स को हैंडल करना मैंने उतना बेहतर uh, सीखा है एंड आई थिंक दैट हैज मेड मी अ बेटर इंडिविजुअल टुडे

इसके बीच में ही कहीं ना कहीं जिंदगी चल रही होती है uh, मतलब बड़ी छोटी सी बात है कि uh, आप उबर का ऐप यूज करते होंगे अगर बॉम्बे में भी आप जब भी रहते हैं तो uh, जब आप उबर का ऐप खोलते हो और उस पर आप uh, एक अमाउंट देखते हो तो आप उससे सब सब सबसे पहले क्या करते हो आप ओला खोल लेते हो और चेक करते हो कि उस पर कीमत कम तो नहीं फिर आप फिर पांच मिनट इंतजार करते हो और फिर उबर के ऐप पर जाते हो और देखते हो कि कीमत कम हुई कि नहीं तो अपना पांच से दस मिनट आप अपनी जिंदगी के ऐसे ही जया कर देते हो क्योंकि उतनी आपकी जिंदगी की कीमत है ही नहीं तो तो ये जो रियलिटी होती है ना आ, आ, ये अगर आप रेस्टोरेंट जाते हो तो एसी का सेक्शन होता है और नॉन एसी सेक्शन होता है और एसी के सेक्शन का आ, मेन्यू का प्राइस अलग होता है मुझे याद नहीं, नहीं मैंने कितनी बार ए सेक्शन में मैं बैठा हूँ मुझे तो बचपन में लगता था कि मंचाओ सूप वन बाय नाम है मुझे पता नहीं था कि पूरा एक सूप भी आता तो वो रियलिटी भी है यार आ, मतलब आ, आ, आज जब मैं काम कर रहा हूँ मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तब लगती है कि जब मैं आ, अपनी अम्मी के लिए दुनिया भर की सारी चीज़ें ला सकता उनके कदमों पर आ, जिस दिन भी लगता है कि काम का दिन अच्छा नहीं जा रहा और लगता है कि क्यों कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ तो तब सोच लेता हूँ कि यार हर वक्त

Uh, मेरे वाले साहब का इंतकाल चार साल पहले हुआ था मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी अरेस्ट तो उसके बाद से uh, पता नहीं क्यों एक बस uh, मन बना लिया था कि सो मेरा ओरिजिनल uh, नाम इशप्रीत चंडोक है माय मैसर्निबिल चंडोक बट उसके बाद मन बना लिया था कि मैं अपने नाम में अपने पिता का नाम uh, शामिल करूँगा और उस तरीके से अपने पिता को मेरे साथ जिंदा रखूंगा

but my thing is i'm I'm very blunt about it. if yeah. you don't have so I'm sure that a person like you who dreams this big and yesrif Abkel this is a tribute to your father along with it and it, now it has a larger purpose absolutely but I'm sure you have a roadmap to go there mm. i I would like to know that roadmap because I feel like we all have our dreams, mm. but if we don't have a roadmap to it, then they die with us absolutely so how are you what are your roadmap what is your roadmap to get it there um uh, आई थिंक दो चीजें होती हैं एक तो होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट क्या है और दूसरी चीज़ होती है कि आपका जो क्राफ्ट है आप उसके बारे में कितना जानते हो कितनी मेहनत करते हो उस मामले के बारे में फ्रॉम अ क्राफ्ट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक सबसे बड़ा सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी रियलिटी को कितना समझते हो जैसे मैं डिवाइन की बात कर रहा था ही वर्ज द फर्स्ट आर्टिस्ट एवरीथिंग दैट डिवाइन टॉक्स अबाउट व्हेन ही स्टार्टेड वाज ऑल अबाउट his journey uh, his life where he came from uh, his struggles um, uh, his successes his problems everything and that is something that i have learned ki jab tak aap apni sachai duniya mein nahi bataoge to aap apna naam nahi bana sakte अपना नाम बनाने के लिए अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी सच्चाई बताना बहुत जरूरी है और वो चीज मैं फ्रॉम डे वन आई बीन ट्राइंग टू डू on whether it's on social media, whether it's on stage. I talk things that I have experienced and that I have felt. I was talking about my father's death. I have spoken about my father's death on stage, without any inhibition, without it's been as unhinged as anything there is. Uh, there's a piece that I did with Spill called "Mayat Ka Khana," which I spoke about the first four days of uh, after my father's death, uh, and. and uh, and that 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 is is something that, and that realism is something realism I want to take forward in my work as well craft uh, making sure that you don't lose the essence of who you are. Uh, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा भी हो जाता है कि आस पास जो चल रहा है जो हवा चल रही होती है uh, उस हवा में हम बह जाते हैं कि यार ये बहुत चल रहा है या वो बहुत चल रहा है uh,

I don't, I don't. want to name him, but he's very famous. <laughs> no, uh, I think if you can win your heart, you can win the world, A brief thanks to our sponsor, Smart Trip. Smart Trip is a travel-based company in Kashmir, providing seamless and attractive packages all across India. They offer exclusive travel packages at extremely affordable rates for both solo and group travelers throughout India. To all you travelers out there, do check them out. Details on the. Screen. use this coupon code to receive a 25% discount on your first trip with smarter code is on the screen yeah yeah uh, Todi journey with uh, content creators key like uh, how do you monetize your stuff uh, or wh what, is, what is the real life like of a storyteller from reels to real how is it different i think it is filled with, uh, uh, with insecurity questions and uh, Uh, a whole lot of uh, fake it till you make it. I think uh, <laughs> को, जो, मैं uh, जो भी कहता है कि यार मैं बहुत ही uh, secured हूँ on who I am and what I am. I don't think they are they are saying the truth because uh, अगर हम social media की बात करेंगे mm -hmm. algorithm से ज़्यादा uh, fast लोगों के perceptions और moods बदल जाते हैं तो आप इस सीजन के स्टार हैं अगले सीजन के स्टार होना जरूरी नहीं है टू yes, तो, ना कॉन्टेंट जब तक आ, ये आप स्क्रीन पर आते हो और अगर कोई रुक नहीं रहा सुनने के लिए यार ये कहना क्या चाहता है वो सवाल सबसे पहले आना चाहिए और अगर वो रुक नहीं रहा तो मतलब यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग और यू कोर्स तो सोशल मीडिया का जो जा, जहाँ तक खेल रहा है मैं तो खेल like uh, uh, ही कहूँगा उसे इट्स इट्स लाइक अ गेम ऑफ स्नैक्स एंड लैडर्स सही स्नैक्स एंड लैडर्स और लूडो ये दोनों ही चीज़ें हैं यूड yeah. इट्स uh, आप जब आप डाइस रोल करते हो इट्स द सेम थिंग ऑन सोशल मीडिया एज वेल आप डाइस रोल करते हो यू डू नॉट नो यू कान पुट अ फिंगर और यू कान पुट अ सिग्नेचर दैट ये वायरल जाएगा ही जाएगा गारंटी वाली बात नहीं है बट uh, uh that is also interesting in its own way negative and positive at the same time double edged sword again. i mean but also well while it goes viral you definitely build an audience and absolutely. once you have an audience then it works out absolutely probability ratio bad jata hai oh ma matlab i would say 70 30 exactly. Absolutely. आप जब शुरुआत करते हो तो आप zero पर होते हो और वक्त के साथ आपको एक probability ratio आ जाता है क्योंकि जैसे आपने कहा आपकी community build होने लगती है sure. आपको पता चलता है कि आपकी community को क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं पसंद आ रहा है रिले हाँ like uh, रि uh, कि तो uh, uh, कितनी बात कर लोगे और अगर कर भी लेते हो मेरा हमेशा मानना है की मैं इस चीज को ना uh, रोहित शेट्टी सिनेमा और अनुराग कश्यप सिनेमा में देखता हूँ uh, आप uh, जैसे बहुत लोगों को वायरल जाना है सबको वायरल जाना होता है सबको ऑडियंस बनानी है सबको रीच करनी है तो आप वो सारी चीजें कर सकते हो टू द डिग्री क्या आप वायरल चल रहे हो ट्रेंडिंग uh, कर लिया आप टॉपिक सेलेक्ट कर लो आप उस तरीके से बात कर लो आप उस तरीके से उस चीज को पैकेज और प्रेजेंट कर लो आप सब कर लेते हो अगर उसके बाद भी नहीं चला तो यू वेंट टू एक्सट्रीम ऑफ वट इट इज सेट एज अ चेक लिस्ट ऑफ गोइंग वायरल राइट इफ दैट पीस ऑफ मेड गो वायरल फिर क्या करेंगे

मतलब शुरू उसके experiences बदल रहे हैं। पहले उसके पहले लिए लिए मोहब्बत बहुत important होती है फिर नौकरी होना हो जाती है फिर उसके लिए, important no. फिर उसके लिए परिवार शुरू होना जाता है फिर वो आप खुद को जानने लगता है तो ये एक जर्नी है ना तो उस जर्नी में आपका उसके साथ रहना बड़ा जरूरी है

बिल्कुल उनके साथ तो काम बहुत हो जाता है नहीं नहीं आई जिनकी बात कर रहे हैं फैमिली तो उनके साथ तो काफी एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे हैं बट हाँ सोशल मीडिया थिंग्स अबाउट एंड यार मैं बहुत बेशरफॉर्म मैं, मैं पहुंच जाता हूँ मतलब एक लाइन है कि आसमान छूना है तो छलांग तो लगानी पड़ेगी तो अगर छूना है तो यू कॉन्ट बी सिटिंग एट योर थोन एंड बी लाइक मैं तो कंटेंट कर रहा हूँ लोगों को आना है आ जाएंगे हो जाएगा नहीं होता इट वेरी चैलेंजिंग नोट थिंक अगर someone, तो शर्म किस बात की यू रीच आउट टू दैम मैं तो शाहरुख खान के पास भी पहुंचाई वर्क विद यू Of course, yeah. I I will write a concept for. Uh, I don't think in this world there's anything bigger than manifestation. Manifestation works like. Absolutely. Last year की बात है मुझे मुंबई Indians के साथ काम कर रहा है मैं मुंबई मैं पला बड़ा हूँ और मुंबई की सारी जो आ, जो कल्चरल कॉन्टेक्ट होता है शहर का कल्चर शहर की ट्रेनें शहर के लोग शहर का खाना इस शहर का जो वाइव होता है उन सब के बारे में मैं बात करता हूँ क्योंकि मैं हाँ इस चीज़ ये मेरी रियलिटी है इट्स पार्ट ऑफ माई डी और मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है तो मैंने मैनिफेस्ट किया था मैंने शोरी में डाल दिया था कि मुझे मुंबई इंडियंस के साथ इस साल काम करना है अगले और ऐसा नहीं था कि डाल दिया तो कुछ नहीं किया टॉक टू द मुंबई इंडियंस टीमेंट वर्क एंड दो महीने लगे बट दो महीने बाद मैंने उनके साथ काम भी किया है बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ एंड मुझे याद है uh, उन्होंने uh, 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 you want a jersey? Manubala? Well, absolutely. So, uh, do, you want, do you want to put something on the back of your jersey? मैंने yes, it's gonna be Balbir, my father's name. So it uh, did you frame it then? Uh, I did frame it. Is it in your house? It is in my house. How does it feel? Uh, it feels absolutely amazing. I think. Uh, uh, my mom was really happy as well. He was a big cricket fan as well. We connected a lot. So, so we'll have that picture right when this podcast goes live. Right when we go into this topic, we'll have that picture. Absolutely. You give us that picture. That would be lovely. Yeah. Uh, yes, it's. I think I think the only problem here is that uh, we talk. See, I am very emotional about uh, the topic of mothers because they are special, right, in their own ways. But I think we miss on to the topic of father a lot. या मेरे वाल साहब मेरे पेश फ्रेंड थे आई थिंक उनके साथ जितना मैंने बचपन का वक्त बिताया है दैट रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल मोमेंट्स ऑफ माई ऑलवेज एंड सबसे अजीब सी बात यह होती है कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं uh, जैसे जर्सी उनके नाम की होना बिल बोर्ड होना स्टेज uh, पर परफॉर्म करना आई थिंक जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट ये रह जाएगा कि उन्होंने मुझे कभी स्टेज पर परफॉर्म करते हुए नहीं देखा Uh, जो मैं अनफॉर्चुनेटली uh, उसे बदल नहीं सकता तो वो कहते हैं ना कि खुशी खूबसूरत होती है गम खूबसूरत होता है दोनों ही किसी को याद करने का बहाना होता है तो जब भी कोई खुशी का मौका आता है तो uh, गम उसके साथ आ जाता है कि यार वो है नहीं तो माय आई ऑलवेज बीन अ वेरी डिटेच्ड पर्सन ना मुझे सक्सेस ज्यादा हाई पर ले जाता है ना फेलियर बट uh, उनके गुजर जाने के बाद वो डिटैचमेंट और बढ़ता गया विद विद थिंग्स अराउंड क्योंकि मैंने अल्टीमेट फॉर्म ऑफ लॉस देख लिया है uh, जब हम मोहब्बत की बात कर रहे थे uh, कि uh, मोहब्बत में दिल टूटता है uh, मुझे मैं नहीं मानता कि आजकल किसी का भी मोहब्बत में दिल टूटता है uh, मुझे याद है जब वो गुजरे थे तो उसके एक हफ्ते बाद तक था मैंने खाना खाया था ना मैंने पानी पिया था सो द ह्यूमन बॉडी इज नॉट केपेबल ऑन अ डेली बेसिस मैं मैं मुझे खाना खाना बहुत पसंद है मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ बट उनके गुजरने के बाद हलक से पानी तक नहीं उतरा है ना खाना खाने का मन किया है और बॉडी टूट रही थी मैं गिर रहा था आ, पर दिमाग और दिल कह रहा था कि नहीं क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाया होगा उन्होंने पानी नहीं पिया होगा तो दिमाग में वो सारी चीजें चल रही थी तो सो मैं उसके बाद फिर किसी भी इंसान का मेरी जिंदगी से जाना या आना मुझे मैटर नहीं करने लग गया क्योंकि uh, कोई दोस्त है आपका जिंदगी में जिनसे बातचीत बंद हो जाती है uh, किसी रीज़न से तो आपको पर वो परमानेंट तो नहीं है ना दोस्तों में तो बातचीत बंद होना गिले शिक में तो चलते रहते हैं बट uh, किसी का हमेशा के लिए चले जाना यू टेक इट बैक दे से

Grief, pain is something that keeps you constantly reminding of your loss. So it keeps you very much grounded. Absolutely. I think uh, uh, I thought that losing him was the toughest thing I could do in life. But I realized that accepting that loss was far more tougher. So, after, I mean, this loss is big, right? Hmm. But at the same time, I'm sure there must be some friends of friendships, whether they are here, far, but still, friends are friends, right? Absolutely. हाउ दोस्तों का रहना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी mm -hmm. में मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो कनाडा mm -hmm. में रहता है मैं उसको पिछले आई थिंक पाँच या छह साल पहले ही है शिफ्टेड टू कनाडा मैं बीस पच्चीस सालों से जानता हूँ तो पाँच छह साल की उम्र से लेकर अभी तक हमने जिंदगी साथ बताई है और जिंदगी का छोटे से बड़ा आ, खुशी का गम का पल हमने साथ में बिताया आई आई डो नॉट थिंक दैट रोमांटिक रिलेशनशिप्स आर

में क्या, चल रहा है? क्या नहीं चल रहा है हम पिछली जिंदगी के बीस साल निकाल लेते है वो चल रहा था ये चल रहा था वो हो रहा And था repeatedly, right? repeatedly. Some, पिछली बार फिर से वही दोहराई जो पहले भी दोहराई थी बट अभी किसी अलग अंदाज से बिल्कुल जिस दिल को हल्का करना रहे। दिल को हल्का करना बड़ा जरूरी है और आ, कुछ दोस्तों के साथ क्या लगता है कि पुराने जो बीते पल होते हैं ना उनके साथ वो फिर से दोहराना फिर से बाटना ज्यादा कीमती लगता है।, चुछ। 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 तो, है उसके साथ वो रिश्ता दिल वाला है okay,

Uh, मैंने अपने वालिद साहब को प्रोफेशनली स्ट्रगल करते हुए बहुत देखा है तो जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे लगता था कि आप कामयाब हो जाओगे तो आप खुश रहोगे कामयाबी खुशी का रास्ता है बट वो नहीं है आई थिंक पीस इज अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सुकून बहुत जरूरी है जिंदगी में और वो सुकून ढूंढना uh, बड़ा जरूरी है और सुकून कभी भी एक चीज में आपको नहीं मिलेगा हमें लगता है कि हमें एक चीज से खुशी मिल जाएगी uh, जिंदगी में प्यार आ जाएगा तो आप खुश हो जाओगे जिंदगी में पैसे आ जाएंगे तो खुश हो जाओगे जिंदगी में नौकरी अच्छी रहेगी तो खुश हो जाओगे ऐसा नहीं होता uh, हो सकता है आप नौकरी में बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन आपकी निजी जिंदगी uh, में दुख हो इट्स देंग ऑफ लाइफ तो सुकून हर चीज में होता है इस वक्त मेरी जिंदगी में सुकून में हर चीज में तलाशता हूँ जब मैं मेरी अम्मी के चेहरे पर खुशी देखता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है जब जब मैं आठ घंटे सुकून से सो जाता हूँ तो मुझे मुझे खुशी मिल जाती है उनके हाथ का खाना खा लेता हूँ तो खुशी मिल जाती है Uh, किसी बेजुबान जानवर को मिल लेता हूँ तो खुशी हो जाती है कोई अच्छी फिल्म देख लेता हूं, तो खुशी हो जाती है आपसे मिल रहा हूं, तो खुशी मिल जाती है तो इस वक्त जिंदगी में मैं हर उस शख्स या हर उस चीज को तलाश रहा हूँ जिससे मुझे सुकून मिले और जब सुकून मिलता है तो मैं खुश हो जाता हूँ

जिंदगी से ना एक बुरा सौदा कर लिया ख्वाहिशें पूरी कर ली बदले में बचपन दे दिया खरीद लो दुनिया के सारे ऐशो आराम जरा हमें भी बताना कि सुकून का दाम क्या है जीते जी दूरिया ना रखो मौत आने पर तो जमीन आसमान का फर्क आ ही जाता है जो लोग दिल के साफ होते हैं ना वो हमेशा दिमाग वालों से हार जाते ये संग दिलों की दुनिया है यहाँ सुनता नहीं फरियाद कोई यहाँ खुश होते हैं लोग उस वक्त जब होता बर्बाद कोई न जाने कौन सी शिकायत हो के हम शिकार हो गए जितना दिल साफ रखा उतने को हो गए थैंक यू श्री भाई वॉज सच जस्ट योर डीप आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट वन थिंग See podcasters are too chaotic in the sense of your time strain and you can't really figure out things right but to be very honest with you one thing that i felt deeply was how connected you are to your father and i i genuinely believe in those people who have a cause behind it. absolutely when you have a cause you can actually achieve what you want to achieve and i'm sure you'll achieve it absolutely i think uh, uh my ज़िंदगी ने मुझे दो बेस्ट फ्रेंड्स अभी तो उनसे नवाजा है माय फादर वाज माय फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड माय मदर इज़ माय सेकंड बेस्ट फ्रेंड टुडे एंड आई थिंक बस एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि हमारी सोसाइटी में अक्सर सिंगल मदर्स को ज़्यादा तोज्जो नहीं दी जाती आई थिंक फॉर मी माई मदर्स हैप्पीनेस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड समटाइम्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन इवन माइन आई थिंक उन्होंने बहुत कुछ देखा है जिंदगी में एंड आई थिंक मेरे वालिद साहब भी वही चाहेंगे कि शी शुड बी हैप्पी आई थिंक एवरी फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस शुड बी गिवेन टू हर सो एज सिंगल मदर एज एज अूमन बींग टुडे शी इज़ माई मदर शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड मैं जिंदगी के सारे uh, तकलीफें सारी बातें सारे एहसास बाते, उनके साथ बांट सकता हूँ तो आई हैव एंजल बेस्ट फ्रेंड इन दवेंस एंड आई हैव एन एंजल बेस्ट फ्रेंड On earth. So I'm the luckiest person in the world. Uh, and I'm dedicating this podcast to your father. Thank you so much. Ishwidwai, thank you. I mean, as I said, the whole reason of just conversations with Fahim B was to represent storytellers and know any better than you. And at the same time, we are dedicating this podcast to your father. So thank you for being here. Thank you so much for And this again, I want to give you a little bit of a gift hamper from our sponsor, Smart Trip. Smart Trip is a travel-based agency from Kashmir and they. Take care of all our travels hmm. from day one till now. And there are some cool books in there. I hope you read them. Please accept it. Thank you so much. I think uh smart trip and I'm excited. We were talking about me visiting Kashmir yeah. to uh, come by our smart trip. Yes. Thank you so much, brother. Thank you. Thank you everyone for joining the podcast. We'll come up with more and more.